सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स करके भी ये चैप्टर है, अगर बुक्स में देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन आपस में रिलेटेड हैं। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, देखो मैंने ये नहीं कहा कि एक्चुअल है, मैंने कहा इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पर पूरी बॉडी का मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, कि मैं ये मानता हूँ कि पूरी बॉडी का मास वहाँ पर पड़ा होगा। जैसे जैसे सपोज ये आपके सामने एक बुक है और मैंने कहा इसका मास कहाँ पर है, तो आपने कहा सर यहाँ भी है, 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 हर पेज के अंदर मास ही मास है। मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, इसको इस बुक को यहाँ पे टिका लेते हैं, ये लो, मैंने फिंगर पे टिका लिया, ये रहा। अब फिंगर पे टिकाने का मतलब तो यही हुआ कि सारा का सारा मास जहाँ पर पड़ा हुआ है या सारा वेट पड़ा हुआ है वहाँ मैंने फिंगर को रख दिया, तभी ये बैलेंस्ड है। बैलेंसिंग पॉइंट तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही आएगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि सारे का सारा मास कहाँ पर पड़ा हुआ है, जहाँ ये फिंगर पड़ी हुई है, मान लिया, और वहीं पर मैंने अपने फिंगर को रखा और जहाँ मास पड़ा हुआ है सारे का सारा वहाँ वेट भी पड़ा हुआ है, इमेजिन करने, और मैंने पूरे वेट को यहाँ टिका लिया, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई। ठीक है यहाँ तक? तो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, मैंने फिर कहा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है सारे मासेस को तोड़ तोड़ के तुम एक पॉइंट पे रख दोगे, एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर एज्यूम किया जाता है, मानना जाता है कि सारा मास पड़ा होना चाहिए। आप बोलोगे ये क्या बात बनी, इमेजिनरी पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब ऐसी बस ख्यालों में ले लिया कि कोई भी पॉइंट ले लिया और ऐसे कैसे फिजिक्स चल सकती है, है ना, फिजिक्स तो प्रैक्टिकल है, ये कैसी इमेजिनरी पॉइंट के साथ फिजिक्स कैसे चलेगी। आप इमेजिन करो, मैंने आपको एक चेन वाला क्वेश्चन करवाया था, चेन लटक रही है और पोटेंशियल एनर्जी निकालो, जिसमें आप क्या लेते थे, सेंटर ऑफ मास, और जब आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तो आपने जब सेंटर ऑफ मास नहीं लिया था तो आपको क्या करनी पड़ी थी, इंटीग्रेशन, तब जाके आपके पास एनर्जी आई थी इंटीग्रेशन के साथ। अब वो इतना बड़ा कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया और ये मान लिया कि सारा मास चेन का चेन पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक पॉइंट पर एज्यूम कर लिया और वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट था और हमने फटाफट अपना आंसर निकाल दिया। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास लेने से हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं और चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो और कैलकुलेशन वही आती है जो इंटीग्रेशन के साथ आती थी, तो अगर मैं मास को डिस्ट्रीब्यूटेड भी ले लूँ तो भी वही आंसर आएगा, और अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन और मास की जगह एक मास ले लूँ, क्योंकि एक मास के साथ काम करना बहुत ईजी है और एक मास के साथ तो हम आज तक काम करते ही आए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और मास तो हमने किया ही नहीं, हमने तो गाड़ी ली, गाड़ी का मास भी एम ही लिया, जबकि गाड़ी में मास यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन हम तो एम के साथ ही काम करते हैं जिसको पॉइंट मास बोलते हैं। तो हमारे लिए पॉइंट मासेस पे काम करना बहुत ईजी है, तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि आपके क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देगा और आपके क्वेश्चन को बिना इंटीग्रेशन के सेंटर ऑफ मास बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा। पर पॉइंट ये है कि चलो क्वेश्चन जो इजी होंगे वो तो बाद में होंगे ही होंगे, लेकिन पॉइंट नंबर वन ये है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, कहाँ पर पड़ा हुआ है या कहाँ पाया जाता है, ये चैप्टर उसमें डील करता है। यूज़ कैसे करना है वो तो अगला चैप्टर आपको बताएगा, इसको इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट चैप्टर में है, लेकिन इसकी कहाँ निकलता है सेंटर ऑफ मास वो इस चैप्टर में है। तो अगर आपका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे अगर मैं एक रॉड लूँ, हमने किया भी था, एक रॉड लूँ और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर तरफ बराबर बराबर मास है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होगा। लेकिन अगर इसी रॉड का मास ऐसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मास है, डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम डेंसिटी है, कम मास है, सेंटर ऑफ मास वहाँ पर पाया जाएगा जहाँ पर मास ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर और रॉड पर नहीं होगा, वहाँ पाया जाएगा जहाँ थोड़ा ज़्यादा मास है। जैसे ये रूम है, ये रूम है, स्टूडेंट्स हैं M1, M2, M3, up to MN, तो किसी ने कहा सर यहाँ का रूम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास कहीं वहाँ पर होगा, मान लो सेंटर यहीं पे कैमरे के पास है, मान लो यहाँ पे है। अब सारे स्टूडेंट उठ के कहाँ, और हाँ सेंटर ऑफ मास किसी बच्चे के बॉडी में निकलेगा ये ज़रूरी नहीं है, मतलब इस क्लास का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी हवा में भी निकल सकता है, तो आप ये मानेंगे कि हवा में मास है, आपको कि ये कैसी कैलकुलेशन है यार, हवा में मास है, और इसकी कैलकुलेशन भी हो जाएगी, बिल्कुल होगी। आप इमेजिन करें एक रिंग है, रिंग में अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हम आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे, रिंग का सेंटर मास रिंग के सेंटर पे होता है, जबकि सेंटर पे एक मास भी नहीं होता,
तो भी रिंग का सेंटर मास सेंटर पे माना जाता है। तो आप कहोगे ये कैसी कैलकुलेशन हो गई, हवा में कैलकुलेशन? हाँ हवा में होगी, और कैलकुलेशन का रिजल्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आएगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सही माना जाता है, क्योंकि इससे आंसर्स, प्रैक्टिकल आंसर सही आते हैं। तो इसमें मैं एग्जांपल दे रहा था, सभी स्टूडेंट उठ के मान लो यहाँ स्टेज पे आ गए, सारे टाइट हो गए और वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास उसके अंदर ही जाके मिलेगा आपको। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पर मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्मली में जहाँ ज़्यादा मास है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास इज इमेजिनरी पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी एक्टिंग, है नहीं, माना जाता है, एक्ट करता है, माना जाता है, सपोज टू बी एक्टिंग। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? सेंटर ऑफ मास के यूनिट्स पूछे जाते हैं, क्या होंगे सेंटर ऑफ मास के यूनिट्स, क्या होंगे? बहुत लोग बोलते हैं केजी, आया भी एक आंसर। भाई मैंने ये नहीं कहा सेंटर ऑफ मास मास है, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसका केजी मास नहीं होता। वहां पर तो मास पड़ा होता है, एक पॉइंट पे मास पड़ा हुआ है, तो पॉइंट के क्या निकलेंगे? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, केजी मत बोलना, मीटर बोल देना चाहे, 2.3 मीटर कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तो सेंटर ऑफ मास मास नहीं है, हम मास को स्टडी नहीं कर रहे, हम पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, वो पॉइंट कहां होगा? जहां टोटल मास पड़ा होगा। अब फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास के अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इमेजिन करो आपके पास एक सिस्टम है जिसमें एक पार्टिकल है M1। मैं कोई बॉडी नहीं ले रहा हूं, मैं कोई स्फीयर डिस्क नहीं ले रहा हूं, बस ये बोल रहा हूं कि दो पार्टिकल्स हैं, एक M1 और एक M2। बिल्कुल वैसी जैसी ये M1 है, मैं M2 मान लूं, हम दोनों का मास बराबर है, तो इमेजिन करो हमारा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? एग्जैक्टली हमारे सेंटर पे, चाहे हमारे बीच में कुछ ना हो तब भी सेंटर पे, राइट? पर कैसे पता लगा? उसका निकालने का कोई तो तरीका होता होगा, वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि मान लो एक पॉइंट मास है, कोई शेप नहीं है, बस पॉइंट है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक और मास है m2 जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब क्योंकि मैंने x1, y1, x2, y2 लिया, तो मेरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो प्लॉट करना ही पड़ेगा और ओरिजिन भी लेना पड़ेगा। तो ये दो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, मुझे क्या ढूंढना है? एक ऐसा पॉइंट जो इनका सेंटर ऑफ मास है, और मुझे सेंटर ऑफ मास के क्या ढूंढने हैं? कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, मान लो एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास, ये क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आप एक्स और वाई सेंटर ऑफ मास ढूंढना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको भी ड्राइव करके दूंगा। एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m1 x1 + m2 x2 / m1 + m2। वाई सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m1 y1 + m2 y2 / m1 + m2। ये इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। कहां से आया अभी बताऊंगा प्रूफ के साथ, ऐसा कैसे आता है। पर अगर आपको m1 m2 दो मासेस गिवन है, उनके दो कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 एंड x2 y2, तो आप ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्लियर है। कोई कहता है जी अगर तीन पार्टिकल हुए तो, हाँ कोई बात नहीं, m3 x3 / m3 ऐड कर देना, चार हुए चार तक, n हुए n तक, ये रिजल्ट n तक वैलिड है। तो इसका मतलब इस क्लास का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है, तो मेरा मास m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7, तो अगर मैं सभी स्टूडेंट का सेंटर, सभी स्टूडेंट का कोऑर्डिनेट बता दूं, तो m1 x1 m2 x2 m3 x3 करके इस पूरी क्लास का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये तरीका है हाउ टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो कोऑर्डिनेट है, मैथ्स वाले लोग यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपको ना पोजीशन वेक्टर्स गिवन होते हैं ऐसे, वो आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग कोऑर्डिनेट्स, वो आपको कहेगा कि m1 का पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर है, और सेंटर ऑफ मास का r सेंटर ऑफ मास वेक्टर है। ये रहा तो एक फॉर्मूला है, r सेंटर ऑफ मास वेक्टर m1 r1 वेक्टर + m2 r2 वेक्टर / m1 + m2। तो अगर आपको क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में गिवन हो और आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन हो r1 वेक्टर r2 वेक्टर, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या करवाऊँगा, ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से, उसका प्रूफ, इसका प्रूफ करेंगे अभी हम।